तहसील कार्यालय प्रांगण में सावनेर उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे के अध्यक्षता में 10 अप्रैल 2022 को संपन्न होने वाली श्री राम नवमी शोभा यात्रा के संदर्भ में शांतता सभा संपन्न हुई। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से शहर में पिछले 6 दशकों से निरंतर जारी भव्य शोभा यात्रा को शहरवासी तथा नागरिकों के सुरक्षा हेतु स्थगित किया गया था, किंतु राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से कोविड-19 के सभी गाइडलाइन तथा निर्बंधों में शिथिलता लाने से आने वाले 10 अप्रैल को संपन्न होने वाली रामनवमी तथा शोभा यात्रा पूर्ववत भव्यता से मनाए जाने का कयास लगाया जा रहा था, जिससे इस आयोजन में किसी भी प्रकार के व्यत्यय तथा अनुचित प्रकार उत्पन्न होकर शांति व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण ना हो, इसलिए तहसीलदार प्रताप वाघमारे की पहल पर इस शांतता सभा का आयोजन कर शोभा यात्रा में सहभागी होने वाले शहर के सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा प्रशासन के सभी आला अफसरों के समन्वय से शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर विचार विमर्श हुआ। सभा में सावनेर तहसील के मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व नगर सेवक तेज सिंह सावजी ने शहर में होने वाले शोभा यात्रा उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शहर की शोभा यात्रा में हर वर्ष लगभग 35 से 38 झांकियां तथा झांकियां गुजरने वाले शहर के मुख्य मार्गों पर महाप्रसाद वितरण के सैकड़ों स्टॉल, स्थायी झांकियां, शहर की सजावट आदि को देखने आसपास के गांवों से लाखों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन किसी भी प्रकार की अनहोनी अथवा अनुचित प्रकार अभी तक नहीं हुए। कोरोना निर्बंधों में आए शिथिलता की वजह से लाखों की नहीं परंतु हजारों की भीड़ उमड़ने का अंदेशा बना है, जिससे निपटने हेतु प्रशासन, आयोजक तथा समाज सेवियों द्वारा संयुक्त प्रयास होने चाहिए, जिसमें शोभा यात्रा के मुख्य आयोजक रामायण प्रसारक मंडल तथा व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने समय की कमी तथा कोरोना के पिछले अनुभव को देखते हुए इस वर्ष सिर्फ भगवान रामलाल विधिवत पालकी का परिस्थिति अनुसार शहर के मुख्य मार्गों से सादे तौर पर भ्रमण करने की मंशा जाहिर की, तो वही कुछ सामाजिक संस्थाओं ने प्रशासन तथा आयोजकों को दिशा निर्देशों का पालन करते हुए झांकियां निकालने तथा महाप्रसाद वितरण की तैयारी दिखाई, तो वही शांतता समिति की बैठक में उपस्थित मान्यवरों ने अपने अपने सुझाव दिए। शांतता समिति, शोभा यात्रा आयोजन समिति, समाज सेवी तथा समाज सेवी संस्थाएं उपस्थित थी। सभी मान्यवरों के विचार और सुझाव को सुनने के बाद उपविभागीय अधिकारी अतुल महत्रे ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि शोभा यात्रा उत्सव में किसी भी प्रकार की शांतता, सुव्यवस्था तथा अनुचित प्रकार ना हो, इस वास्ते हम सभी को अपना अपना दायित्व निश्चित करना होगा। शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर प्रशासन हमेशा ही सहयोग की भूमिका में थी और रहेगी, इसीलिए झांकियां निकालने वाली संस्थाएं, महाप्रसाद वितरण करने वाली संस्थाएं तथा शोभा यात्रा में सहभागी होने वाले सभी को मिलकर अपनी अपनी झांकियां, पंडाल आदि पर स्वयंसेवक की व्यवस्था तथा शोभा यात्रा के मुख्य आयोजकों को अपनी अपनी झांकियां तथा आयोजन की जानकारी दे, ताकि वे उसकी सूचना हमें दे और हम उचित व्यवस्था कर इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी रामराव मोवाड़े, व्यापारी संघ के सचिव मनोज बसवार, पूर्व नगर सेवक लक्ष्मीकांत दिउटे, अभिषेक गहरवार, साबिर शेख आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।